तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको जा रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी की एक कमाल की हिडन ट्रिप या हिडन ट्रिक बताने वाला हूँ। डेफिनेटली मुझे 90% उम्मीद है कि आपको ये फीचर नहीं पता होगा और बहुत ही शानदार ये टिप है, यूजफुल टिप है, आपको डेफिनेटली बहुत मजा आने वाला है ये वाली टिप के लिए। तो चलते हैं दोस्तों आगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, नोटिस बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी फॉलो कर लेना। चलो थैंक यू। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों मैंने जैसा कि होता है आपको बता रहा हूँ, बहुत ही कमाल का हिडन टिप बता रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी का, वो ये है दोस्तों। होता क्या है, हमारे पास इतनी सारी एप्स होती हैं और हमें कोई एप्स को हाइड करके रखना हो ताकि कोई दूसरा उसको देख ना सके। होती है ना कुछ ऐसी एप्स जिसके बारे में कोई हमें देखना चाहता, तो आपको एप्स को हाइड करना हो तो क्या करना रहता है, तो आपको हाइड एप्स करने के लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ थोड़ी देर क्लिक करके रखना है, देन सेटिंग्स में जाना है, देन यहाँ पर जाना है आपको हाइड एप्स करके। तो यहाँ जाके आप किसी भी ऐप को हाइड कर सकते हैं। लाइक मुझे मान लो ये मेरी क्रोम वाला है, नहीं क्रोम नहीं, एक्सपर्ट रो वाली जो मेरी ऐप है, मुझे उसको हाइड करना है। तो मैंने इसको यहाँ पर सेलेक्ट करा और उसको यहाँ से डन कर दिया। अब डन करने के बाद होगा क्या, वो ऐप यहाँ से हट जाएगी। अब आप देख सकते हैं वो एप्स यहाँ पर नहीं मिलेगा, अगर मुझे उसको एक्सेस भी करना हो तो मैं उसको एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। आप देख रहे हैं ना, वो ऐप कहीं एक्सेस नहीं हो पा रही क्योंकि वो हाइड हो गई है। बट होता क्या यार, हमें तब उसको यूज करना हो तो बहुत मुश्किल से आप उसको यूज कर पाएंगे। आपको दोबारा क्या करना होगा, दोबारा यहाँ टैप करना होगा, देन सेटिंग्स में जाना होगा, देन आपको हाइड एन एप्स में जाना होगा, फिर आपको उसको हाइड से हटाना होगा, तब जाके आप उस ऐप को यहाँ पर आप यूज कर पाएंगे। देखिएगा तब जाके आपको वो एप्स यहाँ पर दोबारा मिलेगी। तो इस तरीके से बात करते हैं, पर बहुत कॉम्प्लिकेशन होता है यार, इस सबको यूज करने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो आपको इस चीज रिलेटेड एक कमाल का हिडन टिप्स बताने वाला, वो ये है। आपको उसके लिए पहले एच मैनुअल खोल लेना है, फिर यहाँ पर एडिट वाले ऑप्शन में चले जाना। अब यहाँ पर आपको काम क्या करना है, उस ऐप को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है जिस ऐप को आपको हाइड करना है। लाइक एक्सपर्ट रो पे गए, मैंने एक्सपर्ट रो को यहाँ पर एड ऑन कर दिया। आप देख रहे हैं आपके सामने, यहाँ पर मैंने एड ऑन कर दिया, देन उसके बाद मैंने यहाँ से उसको कर दिया ऑफ, या फिर बोल सकते हैं इससे मैं आ गया बाहर यहाँ से। अब आपको जब भी इसको यूज करना हो तो आपको यहाँ पर ये यह मिल जाएगी। आप जैसे करेंगे आपको एक्सपर्ट रो वाली ऐप यहाँ पर मिल रही है। अब इसके अंदर टिप्स क्या है, अगर अब आप इस ऐप को हाइड भी कर देंगे ना तो भी आप उसको वहां पर यूज कर पाएंगे। वापस मैं आ गया हाइड पे, हाइड पे ऐड करने के बाद मैं वापस यहाँ पर आया, मैं फिर वापस वो ऐप को यहाँ पर सेलेक्ट किया, मैंने यहाँ पर क्लिक करके उसको डन कर दिया और ये यहाँ से हाइड हो गया। और अगर अब मैं आऊँ यहाँ पर ऐप सर्च वाले आइकन में तो आप देखेंगे वो ऐप यहाँ पर आपको नहीं दिख रही, बट स्टिल आप इस ऐप को यूज कर पाएंगे बहुत ईजिली। सिंपली आपको एच पैनल खोलना है और आप यहाँ पर उस एक्सपर्ट रो को कर पाएंगे, और बार बार आप हाइड और अनहाइड वाले उससे टाइम वेस्ट होने से बचा लेंगे और बहुत इजीली आप इसको यूज कर पाएंगे। तो बहुत ही शानदार ये वाला टिप्स है, मुझे जैसे ही पता लगा मुझे लगा बताना चाहिए और बहुत ही शानदार लगा यार। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे नहीं अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो मुझे डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्टली इंस्टाग्राम फेसबुक पर डीएम करके भी पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिस बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले, और हो सके तो इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच।